बीएसपी ने इरादे जता दिए हैं कि बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर की गिरफ्तारी न होने तक वो मायावती के अपमान के मुद्दे को पूरी तरह भुनाने की तैयारी में है। लखनऊ में दयाशंकर सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बीएसपी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर का पुतला फूंकने में बीएसपी के दो कार्यकर्ता झुलस भी गए। मायावती पर अभद्र टिप्पणी का विरोध करते हुए बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने भी शालीनता की सीमाएं लांघ दी। लखनऊ और पूरे यूपी में प्रदर्शन के दौरान बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के खिलाफ न सिर्फ पोस्टर बैनरों में अपशब्द कहे बल्कि पार्टी के नेताओं ने भी बयानों में अपशब्द कहे। देश की सबसे तेज तरार टेल्गो ट्रेन का कल यात्रियों के बराबर वजन के साथ ट्रायल किया गया। मथुरा और पलवल स्टेशन के बीच ट्रेन को 380 यात्रियों के बराबर वजन रखकर दौड़ाया गया। इसका मकसद चेक करना था कि यात्री जब बैठे होंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। ट्रायल में टेल्गो ने 87 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 मिनट में तय की। अलीगढ़ में एक 5 साल की बच्ची की नाले में डूबने से मौत हो गई। दहली गेट इलाके में बच्ची खेलते खेलते अचानक नाले के पास चली गई और डूब गई। बच्ची की मौत पर गुस्साए लोगों ने घंटों तक गोंडा रोड पर जाम लगा दिया। जल भराव की शिकायत पर यह नाला हाल ही में बनवाया गया था। सावन में कावड़ यात्रा पर यूपी पुलिस हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी नजर रखेगी। यात्रा को लेकर मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे ने कल शामली और कैराना में किए गए इंतजामों का जायजा लिया। कावड़ यात्रा के लिए यूपी पुलिस ने 2 एसएसपी, 5 सीओ, 100 इंस्पेक्टर, 650 सिपाहियों और पीएसी की 2 कंपनी को लगाया है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर फिर हमला बोला। बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पंजाब के मसलों से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी सिर्फ केंद्र सरकार से भिड़ने के लिए पंजाब को अपना मैदान बना रही है। पटियाला में संगत दर्शन के दौरान सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर भी जमकर वार किए। पंजाब के मलेरकोटला में कुरान की बेअदबी का मामला कल लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग रखी। चौधरी ने कहा कि ये पंजाब के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश थी। फेमा के मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर के बेटे रणिंदर से कल जालंधर के ईडी दफ्तर में 4 घंटे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद रणिंदर ने कहा कि उन्होंने केस के सारे दस्तावेज ईडी को सौंप दिए हैं। रणिंदर पर विदेशी करेंसी को लेकर इनकम टैक्स विभाग को गलत जानकारी देने का आरोप है। रणिंदर को अब 26 जुलाई को लुधियाना कोर्ट में भी पेश होना है। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से अमृतसर पहुंची एक प्राइवेट एयरलाइंस की फ्लाइट के यात्रियों की कई घंटे तक तलाशी ली गई। सुरक्षा एजेंसियों को इस फ्लाइट में संदिग्ध बैग के होने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि बैग एक महिला का था जो इस फ्लाइट में मौजूद नहीं थी। 4 घंटे तलाशी से यात्री नाराज दिखे। उन्होंने बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया।